Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Class 10th, Chapter 10, Circles. Exercise 10.2, Question number 13. Question hume given hai, prove that opposite side of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Iske liye hum diagram banayenge, ek circle banaya with center O aur uske charo taraf ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जो कि सर्कल को टच कर रहा है पी क्यू आर एंड एस पर, राइट और हमें जो प्रूव करना है अपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट तो मतलब एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ठीक है, अपोजिट साइड हो गई ए बी और सी डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री और दूसरा पेयर हो गया हमारा ए डी और बी सी, तो इस एंगल और इस एंगल मतलब एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी इनके सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस को, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना देते हैं, तो ये चारों एंगल पी क्यू आर एस जो हैं ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। और इन एंगल्स की हमने नेमिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हमें पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, दैट्स वाई ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए से ये टेंजेंट है। Similarly, BP is equal to BQ and CQ is equal to CR or DS is equal to DR, right? Then अब हमने क्या करना है, consider करना है triangle OAP and triangle OAC, ये वाला triangle और ये वाला triangle, ये हमने consider करे। हमें पता है कि AP is equal to AS, जो कि अभी हमने वो पीछे भी प्रूव किया है कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं, इक्वल टेंजेंट्स, एंड OP is equal to OS आ जाएगी, सेम सर्कल के रेडियस हैं दोनों, एंड कॉमन पार्ट हो गया हमारा OA, तो उससे हमारा ट्राइंगल OAP congruent to ट्राइंगल OAS by SSS congruency criteria, ठीक है। एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए और सी पी सी टी से हमारा जो एंगल आ गया पी ओ ए दैट इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस, ये हमारा सी पी सी टी से आ गया, ठीक है। और इसको हम 1 = 8 भी लिख सकते हैं, 1 = 8, राइट। सिमिलरली वी कैन प्रूव 2 = 3, 4 = 5 और 6 = 7, इस तरीके से हम ये सारे एंगल्स प्रूव कर सकते हैं और उसे हमें लिखना नहीं होता, डायरेक्टली हम सिमिलरली लिखकर कर देते हैं। बट हमें पता है कि एक पॉइंट पे बने हुए सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 360, ठीक है। एक पॉइंट पर बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इनको ग्रुपिंग करनी है, 1 के साथ हमने 8 ले लिया क्योंकि 1 और 8 आपस में इक्वल थे, सिमिलरली 2 + 3 लिख लिया, जो जो आपस में इक्वल है उन्हें एक एक ब्रैकेट में हमने डाल दिया, 4 + 5 को एक ब्रैकेट में और 6 + 7 को एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है, तो 1 और 2 लेने हमें, तो 8 की जगह पर हम क्या करेंगे, 8 की जगह पर 8 और 1 आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये आ गया 2 × 1, 3 और 2 इक्वल है तो ये हो गया 2 × एंगल 2, 4 और 5 आपस में इक्वल है तो ये हो गया 2 × एंगल 5 और 6 और 7 भी इक्वल है तो ये हो गया 2 × एंगल 6, दैट इज इक्वल टू 360। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे कॉमन लेकर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 + 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 + 2 कितना हो गया, एंगल ए ओ बी हो गया,
और 5 + 6 कितना हो गया, ये हो गया COD. तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एंगल AOB प्लस एंगल COD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. और बोथ एंगल्स क्या हो गए, क्योंकि 180 डिग्री आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं कि दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ठीक है. एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOT इज ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है. और यही हमें प्रूव करना था. तो हमारा जो क्राइटेरिया है ये कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल प्रूव हो जाता है, ठीक है. अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा एक साथ कॉपी करना है तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं. भी यहाँ पर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा पार्ट इधर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है. इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ऑल द बेस्ट.